तो दोस्तों ये देख लो, मार्क्यू का फ्लिपकार्ट का एसी है ये। आज मैं इसका रिव्यू देने जा रहा हूँ आपको। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि मार्क्यू का एसी कैसा है, तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों देख लो, ऐसा होता है कुछ मार्क्यू का एसी। और ये रहा इसका रिमोट, इसमें आपको दिखला देगा रिमोट में, देख लीजिए। सबसे ऊपर स्विंग का ऑप्शन आपको दे रखा है, उसके नीचे फ़ैन का ऑप्शन है, उसके नीचे एडेप्टेबल का ऑप्शन है। स्विंग और फैन का तो बहुत सारे लोगों को पता है क्या होता है, लेकिन एडेप्टेबल क्या है? एडेप्टेबल का मैं बता दूं, एडेप्टेबल होता है आपका कैपेसिटी चेंज करने के लिए, कि आपका इसमें ज़्यादा बिजली खाएगा या कम बिजली खाएगा, आप इधर से सेट कर सकते हैं। उसके नीचे रिमोट में दे रखा है टेम्परेचर का ऑप्शन, और उसके बगल में है टाइमर का ऑप्शन, कि आपको एक घंटे में अगर बंद करना हो एसी, चाहे जितने भी टाइम में बंद करना हो वो आप करवा सकते हैं। और मोड का ऑप्शन दे रखा है, इसमें कूलिंग का ऑप्शन होता है, और नीचे उसके टर्बो का ऑप्शन है। टर्बो का ऑप्शन होता है कि आपका एसी जल्दी कूल करेगा चालू करने के बाद, अगर आप इसको चालू कर देते हैं तो। और समर चिल का ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपको समर चिल में एक मोड होता है कि आपको एक टाइम, आपको इसमें एक टेम्परेचर सेट करके दे दिया जाता है इस मोड में, ताकि एक टेम्परेचर सेट हो जाए, उसी टेम्परेचर में आपको समर चिल करके, मतलब कि कूलिंग करके दिया जाए। और उसके बगल में देख लीजिए आप, ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पे। उसके बाद डिम का ऑप्शन है, डिम का ऑप्शन इसमें लाइट ऑन ऑफ करने के लिए होती है एसी की, जो आपको लाइट चलती है उसमें, जिसमें आपको दिखलाता है टेम्परेचर। और उसके बाद है स्लीप का ऑप्शन, और उसके नीचे है सेल्फ क्लीन। सेल्फ क्लीन में आपको 15 मिनट का इसमें टाइम होता है, जिसमें आपको एसी अपने आप सेल्फ क्लीन कर दिया जाता है। और उसके बगल में है इको का ऑप्शन, इको का ऑप्शन होता है एनर्जी सेविंग के लिए। और साइलेंट का ऑप्शन होता है कि आपकी जो एसी की थोड़ी आवाज़ आती है वो आपकी बिल्कुल स्लो हो जाएगी, बिल्कुल कम आवाज़ या फिर ना के बराबर ही रहेगी। तो दोस्तों चलिए हम पहले एसी को चालू करके दिखलाते हैं। यहाँ से देखिए, मैंने एसी को ऑन किया, ये ऑन हो गया। अब देखिए यहाँ से इको का ऑप्शन, अगर मैं इको का ऑप्शन दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या चेंज होता है रिमोट में। ये देखिए ई का यहाँ पे साइन आ गया, ई का साइन आपको दिख रहा होगा नीचे, छोटा सा है बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरा एनर्जी सेविंग का है। यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर अप या ऑन लो करता हूँ तो यहाँ पे होगा नहीं। अब ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं हो रही है। अब अगर मैं इसको इको मोड से हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से फ़ैन भी मेरा स्पीड तेज हो गया, और यहाँ से ये ऑप्शन भी हट चुका है। यहाँ से सारे ऑप्शन, यहाँ से जैसे मैं समर चिल पे करता हूँ, ये देखिए समर चिल पे मेरे सारे ऑप्शन यहाँ पे चले गए, और एसी का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस पे सेट हो गया है। इसको मैं दोबारा समर चिल को दबाऊँगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये देखिए। और डिम का ऑप्शन मैं दबाता हूँ तो डिम से लाइट जो एसी की चल रही है 24 डिग्री दिखला रहा है, यहाँ से ये बिल्कुल हट जाएगी, ये देखिए। और मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये आ जाएगी वापस। और यहाँ से अभी टेम्परेचर भी मैं अप या डाउन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा अभी ये इको मोड पे नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैं साइलेंट का अगर बटन दबाता हूँ तो ये साइलेंट हो जाएगा, जो एसी की आवाज़ अभी आपको सुनाई दे रही है बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।